हेलो फ्रेंड्स, समस्त को नमस्कार। आपण मानक मु गोटे छोटो वीडियो नहीं आसी। आपण मान देखी थिबे, जानी थिबे, तार सिनेमा मध्ये देखी थिबे। ता ना होची नाकमा, आउ तार लाइफ रे बहुत किछि सिनेमा काढ़ी। से निजे आज प्रभु को जानिकी निज साक्ष्यटी आम मान को पाखरे रखी। आम मैंने समस्त ये वीडियो टी देखिबा। चलो ये वीडियो को जीवा पूर्वरु आम मैंने यीशु प्यार बांटने के लिए, सत्य बांटने के लिए और हमें सही रास्ता दिखाने के लिए आए थे, क्योंकि वही है सही रास्ता, वही है सत्य और वही है जीवन, और उसी के द्वारा हमें आनंद जीवन प्राप्त है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ आपसे कि पिछले 20 सालों से मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर में हैं, जब हम यीशु मसीह में हैं, तो हम हमेशा जवान रहते हैं, हम हमेशा हरे भरे रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं रेगिस्तान में भी अपने बच्चों के लिए फवारे बनाऊंगा। तो आप सब उसको इतने प्रिय हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। शायद वही बताने आई हूं यहां पर, और मैं इतना बताने आई हूं कि एज एन एक्टर, आप तो जानते हैं फिल्मी जीवन कैसा होता है। हम लोग चूना लगाते हैं और सबको बहुत उल्लू बनाते हैं। हम लोग पर्दे पर एक नाटक करते हैं पर्दे पर, लेकिन पर्दे के बाहर भी नाटक करते हैं। और हमारा काम, अगर हम बहुत अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत साल टिकते भी हैं। मेरे ख्याल से मैं थोड़ी बहुत ठीक हूं, इसलिए मैंने 100 से अधिक फिल्में की हैं, 9 से भी अधिक भाषाओं में, 20 साल से टिकी भी हूं, तो थोड़ा बहुत अपना काम जानती हूं। और इतना आप लोगों को बताना चाहती हूं कि जब हम लोग एक्टिंग करते हैं तो हम लोग ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। जॉनी भाई से अच्छा ऑब्जर्वेशन कौन कर सकता है। अब मैं यहां से जाऊंगी तो वो भी मेरी नकल भी करके दिखा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, मैं जानती हूं। हम अक्सर असली जिंदगी में भी फिर नाटक ही करते हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ अलग से हो जाते हैं, क्योंकि फिर हमें वो एक एक्टर बन के रहना है, हमें वो इमेज संभालनी है, हमें अपना वातावरण ठीक रखना है, तो उस हिसाब से हमें ऐसा ही करना पड़ता है। और आजकल तो सभी कोई एक्टर बनना चाहता है ना, सबको ही एक्टर बनना चाहता है, तो सबको ही बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता है। और क्योंकि हम पहचान लेते हैं, क्योंकि हम एक्टर्स इतने अच्छे हैं, इतने साल से हैं, हम पहचान लेते हैं लोगों की एक्टिंग, तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे इर्द गिर्द बनावटी है। लेकिन जब हम ऐसा व्यवहार करते हैं तो हम समझते हैं सिर्फ हम ही जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे अलावा कोई और हमें देख रहा है, ऊपर वाला हमें देख रहा है, और वो नहीं चाहता है कि हम ऐसी बनावटी जिंदगी जिए। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोगों के सामने आते हैं, कई बार क्या हमेशा ही ऐसे होता है, जब हम लोगों को देखते हैं तो हम लोगों को देखकर भी नहीं देखते, अरे आप कैसे हैं, आप ठीक है ना, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। अक्सर ऐसा करते हैं ना, सब लोग करते हैं, हम सब करते हैं, है ना, हम ऐसे करते हैं, फिर देखने के बाद मन में कुछ और चलता रहता है, अरे यार ये क्यों मिल गया मुझे इसको मिलना ही नहीं था आज। तो ये जो सारा दोगलापन हम में है, ये सारी हिपोक्रेसी जो हम में है, जो हम बनावटी जीवन जीते हैं, जब मुझे ऐसा लगा ये सारी चीजें देख करके, क्या यही जिंदगी है, क्या परमेश्वर ने हमें इसी तरह से जीने के लिए यहां पर भेजा था कि इस जिंदगी में कुछ और भी है जिसके लिए हम यहां आए हैं। ये तो सब चलता रहेगा, जीवन चलता रहेगा, और मेरे जीवन में बहुत आनंद था, पैसों से, हर तरीके से, बिकॉज ही विल नेवर लीव मी नॉर फॉरसेक मी। वो आनंद जो मुझसे कोई चुरा नहीं सकता, जो कोई ले जा नहीं सकता, परमेश्वर क्योंकि मुझे अपनी बेटी मानता है, आपको अपना बेटा मानता है, और हम सबको अपना बच्चा मानता है, वो हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता था, करता था, करता है, करता रहेगा। वो परमेश्वर जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जो अनंत तक, एंड तक, वो सब कुछ जानता है, वो असीम है,
वो जानता है कि हमारी जिंदगी की हर एक जरूरत क्या है, वो जानता है कि हमारे दिल में हमें क्या चीज चाहिए, हमें किस चीज की जरूरत है। और परमेश्वर हमारे जिंदगी में कभी हमें दुख नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर तो वो माता पिता की तरह है जो बच्चों को प्यार करता है। क्या हमारे माता पिता हमें दुख दे सकते हैं? क्या वो अपने बच्चे को दुखी देखना चाहते हैं? कभी नहीं। उसी तरह से परमेश्वर भी हमको कभी दुखी नहीं देखना चाहते, लेकिन शैतान है ना, वो अपना काम करता ही रहता है। चोर का काम क्या होता है?